डियर स्टूडेंट वेलकम टू द यूनिवर्सल। हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दो क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियो इस पर मिलती रहेगी। और टेलीग्राम का चैनल भी है एक, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी PDF इम्पोर्टेंट होगा वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है मान लीजिए ए इज इक्वल टू सेट ये है ए बी और बी का सेट है ए बी सी, क्या ए सबसेट है बी का। और दूसरा क्वेश्चन कहता है ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा है, आपको मैंने सबसेट बताया था कि वो फैमिली का मेंबर होना चाहिए तब वो सबसेट हो जाएगा। अगर सेट ए में ए बी है और बी में क्या है ए बी सी है, तो ए बी सी इसी से निकल के ए बी निकला है ना, तो ये ए सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, दिख रहा है आपको सबसेट सिंपल में। इससे पहले सबसेट का मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। उस पर 2-3 वीडियो होगा सबसेट का, तो आपको वो मिल जाएगा। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ए सेट है ए बी, बी सेट है ए बी सी। तो पूछता ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी निकालना है, ये दो क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ए सबसेट बी का है, बिल्कुल है। क्यों क्यों का? क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, सबसेट यही होता है। ठीक है, अगर कोई सेट है 1 2 और कोई सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो क्या पूछेगा कि ए सबसेट है बी का। तो ए सबसेट सबसेट होने का मतलब हो गया कि उसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, 1 2 है इसमें, तो ए सबसेट हो गया बी का। अगर यहाँ पे 1 2 5 है, 1 2 5, लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 4 तक ही इसका पूरा एलिमेंट इसमें है, तो इस कंडीशन में ए सबसेट नहीं होगा बी का। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका सारा एलिमेंट ए बी, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट इसमें है ए बी, है ना, कोई एक्स्ट्रा क्या उसको नहीं देखना, ए बी है तो इसका मतलब ये सबसेट है। हाँ ए सबसेट बी है। अब कहता है ए यूनियन बी निकालने के लिए, सिंपल है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, पूरा लिख लीजिए, ए में क्या है ए बी और छूट क्या गया इसमें क्या ए बी, ए बी तो पहले लिख लिए, तो ए बी नहीं लिखना है सी है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसी लॉजिक पे डिपेंड करता है। देखिए यदि ए और बी दो ऐसे समूह है कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। यहाँ पे क्या हो गया ए यूनियन बी क्या हो गया, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी ए बी सी आ गया, तो ये इज इक्वल टू सेट बी हो गया। तो वही कहता है यहाँ भी वही होगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा तीसरा नंबर में। अब देखिए क्यों, एक और दूसरा एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। सेट ए है 2 3, सेट बी है 2 3 5 6। अब ए तो बी का सबसेट है, इसमें कंडीशन में तो दे दिया क्वेश्चन में, यदि ए बी ऐसे समूच है कि ए सबसेट है बी का, इस कंडीशन पे लिखिए ए सबसेट है बी का, है ना, पहले से दिया हुआ, तो ए यूनियन बी आप निकालने जाइएगा तो ए यूनियन बी पूरा एलिमेंट आना चाहिए 2 3 पहले का लिख लिए, बाकी बच क्या गया 5 6। तो इसको देखिए क्या निकल के आ रहा, सेट बी दिख रहा, तो वही है क्वेश्चन पूछता है कि अगर ए
सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो सेट बी हो जाएगा, यही लिखना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, एक नंबर दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।